तो चले गए थे नर्सरी हम बहुत टाइम के बाद आज मैं जा रहा हूँ। अच्छा वाला नर्सरी हम लोग जा रहे हैं। बिरयानी तो बन ही रहा है, साथ ही साथ आज यहाँ पे कबाब भी बना है, थोड़ा सा पकौड़ा, पर आज जो है पकौड़ा मस्त तो बना है पर मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि हम लोग डिनर करते हैं, क्योंकि अभी काफी लेट भी हो गया है, टाइम देख सकते हो आप। हे गाइस, कोड नोन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बोला आप लोग ये मास्क कैसे लग रही है, पिंक पिंक। मेरा ना इस बार एक्चुअली पिंकू का मैंने लिया है ब्लैक एंड मेरा वाला पिंक, क्योंकि वो जो आता है ना यूज इंट्रो का वो जो कौन सा कलर होता है वो इक्वा टाइप का कुछ कलर होता है, हाँ ब्लू टाइप का, तो हमेशा एक्चुअली पिंक और मैं पहनते थे। एंड कभी भी कहीं पे बाई चांस आप रख लो ना, कंफ्यूजन के चलते हम भूल जाते हैं किसका कौन सा है। तो इस बार मैंने ऐसा लिया कि मेरे लिए पिंक लिया है और उनके लिए ब्लैक लिया है, ताकि जो है मिक्स ना हो किसी को, मतलब किसी का किसी के साथ, तो पता चल जाता है। और अभी एक्चुअली हम लोग अभी टाइम जो हो रहा है 5 बजने वाला है, हम जा रहे हैं थोड़ा सा नर्सरी। एक्चुअली कल हम लोगों का प्लान था नर्सरी जाने का, बट कल जो है हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि चिरंजीव भैया और भाभी के साथ कल हम लोग गए हुए थे, थोड़ा सा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी गए हुए थे। उनका भाई को कुछ लाइक जो सामान वगैरह था भाभी का, मतलब देना था, क्योंकि वो यानी वो नहीं उनके एक फ्रेंड जो है घर जा रही है, तो कुछ भेजना था उनके हाथों में, तो वहां जाके फिर घूमते घूमते बहुत ज्यादा लेट हो गया कल, तो फिर और कल हम नहीं जा पाए। कल हमने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया था पूरा कल जो दिन है, तो फिर वहाँ पे मस्त बहुत सारा स्ट्रीट फूड वगैरह खाया, फिर आने के बाद भी मतलब घर पे यहाँ पे खाना ऑर्डर करके खाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था एंड किसी को भी और मन था ही नहीं कि कोई भी ना भाभी को ना मुझे और कोई डिनर बनाएगा, तो ऐसा करते हैं। और फिर आज एक्चुअली प्लान था कि सुबह आज मटन लाएंगे, फिर बाद में पता ये चला कि आज शायद मटन ना मिल सकता है क्योंकि आज यहाँ पे कुछ कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बीएमसी की तरफ से राइट बैन हुआ है, हाँ कुछ बैन हुआ था ड्यू टू दिस हमारा गांधी जी की डेथ की वजह से और समथिंग लाइक ऐसा कुछ, हाँ एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। तो फिर हमने बोला क्यों इतना सुबह सुबह उठ के ताम छाम करना, क्योंकि 7 बजे जाना पड़ता है, फिर जाने के बाद मिलेगा नहीं, एंड फिर कल हमने इतना भी खा भी लिया था तो इसलिए, और आज वो हमने प्लान कैंसिल कर लिया। तो देखेंगे अगर शाम को कुछ मन होगा तो बनाएंगे, बट आज दिन में हमने पूरा सिंपल सा डोसा खाया हुआ है लंच पे, और अभी निकले हैं थोड़ा सा नर्सरी। वो लोग भी आए हुए हैं क्योंकि कल तो नहीं जा पाए थे, एंड मेरा जितना भी पोर्ट्स वगैरह है वो सब मैं लेके जा रही हूँ, वो लोग भी वहां से आएंगे, क्योंकि 2 कार लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा भी मतलब प्लांट्स आएगा कुछ आदि और उन लोगों का भी आएगा, तो इतना सारा एक कार पे नहीं आ सकता है, मतलब आ सकता है बट बड़ा प्लांट लाएंगे तो नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे मेरा एक प्लान है कि एक आरी का पाम जो है बड़ा वाला वो लेके आऊं, एंड उन लोगों को भी लाना है एक आरी का पाम, तो वैसे मैं दो तो नहीं आ सकता। जो भी हो हम लोग पहले कितना नर्सरी जा रहे थे फ्रिक्वेंटली, बड़ा भी जाना बहुत बंद हो गया था बहुत टाइम से, क्योंकि घर तो चले गए थे नर्सरी हम बहुत टाइम के बाद आज मैं जा रहा हूं। अच्छा वाला नर्सरी हम लोग जा रहे हैं, जो की बहुत बड़ा नर्सरी है, अगर आपको होगा तो हम लोग नर्सरी का भी विजिट करेंगे। यहाँ पे ना एक्चुअली भरतौर पे बहुत बड़ा नर्सरी है, मतलब नर्सरी तो बैंगलोर पे वैसे भरा पड़ा है बट स्पेशली ये जो भरतूर एरिया पे, यहाँ पे पहले भी हम लोग एक भरतूर एरिया में गए थे, वो सबसे बड़ा था, वो तो बहुत बड़ा पर आज जो जा रहे हो दूसरे वाला, हाँ ये भी हमने नहीं देखा, भैया ने कल हमें दिखाया था कि यहीं पे आएंगे, वो हमने बाहर से बस देखा था कि बहुत बड़ा था, तो देखते हैं अंदर जाके क्या मिलता है क्या नहीं, आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं एंड उन लोगों के साथ भी, मतलब भैया भाभी के साथ भी मिलाती हूँ एंड फिर करते हैं आज प्लांट शॉपिंग, बहुत टाइम हो गया नहीं क्या हुआ है, कुछ कुछ चाहिए मुझे बालकनी के लिए, तो चलो फिर चलते हैं। और फाइनली पहुंच गए हम नर्सरी, और बाप रे क्या भीड़ है। द नर्सरी नेम इज मदीना नर्सरी, मदीना नर्सरी, अगर किसी को चाहिए एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस पर बहुत बहुत सारा गाड़ी पार्क, भीड़ है, सभी प्लांट के खड़े हैं, अंदर ले चलो, अंदर ही ले चलूंगा, ले चलो क्या ले गया मैं, कोट रुकिया कार यहाँ पे है, भैया का कार उसके साइड पे लगा लो, और ये मैं कब से लाके यहाँ पे रखी हूँ, कभी भी पहनती नहीं हूँ। चलो नर्सरी विजिट होता है यार, नर्सरी विजिट कभी कभी अच्छा लगता है नर्सरी आने के। और वैसे हम 6 महीने के बाद आ रहे हैं सर। ये मोबाइल चाहिए आपको? ले चलो। प्लांट तो बाद में लेंगे ना? हाँ? जो पॉट? हाँ पॉट बाद में लेंगे। बहुत बड़ा नर्सरी है यार ये भी। लगता है पिकनिक आए हैं। हाँ यार ऐसे ही लग रहा है। अब वो रोज नवारुची में थे, हाँ। बट मतलब बटन वाला नवारुची।
वाव से रेड रोस्टर कितना मस्त लग रही ना। वाव यहाँ पे बहुत सारा हाँ फ्लावर का हाँ वहाँ पर है ये लोग। खाली इंडोर प्लांट देखे चलो नहीं हाँ घर डाको भीतर डाको पूरा खाली गच्छ ही गच्छ कर दो। निकलो स्लो स्लो करके निकलो भाई पूरा पानी है यहाँ पर। ये क्या है कांटा कांटा का बाप रे इसके अंदर भी है ना जेरेनियम मैडम है। रबर प्लांट कितना है 180 रुपीज पर रबर प्लांट आल्सो वी हैव वी हैव टू पेपरी मा ये क्या बोल ये फेडल फेडल लीफ 300 हां ये पूरा थिन ये वाला 30 रुपीज ये सीजनल है सीजनल है का थोड़ा दिन में और ये आप देख सकते हो इस नर्सरी का ना जो प्लांटर वाला जो सेक्शन है ये वाला है मतलब एक सेक्शन पूरा जो है जिसपे आपको लाइक जो प्लास्टिक वगैरह का वो मिल जाएगा एंड एक सेपरेट सेक्शन है जिसपे आपको जितने भी सेरामिक्स की लाइक पॉट वगैरह है वो सब मिल जाएगा एंड कलेक्शन इतना मस्त मस्त है एंड साथ ही साथ प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। बाकी मैंने बहुत बाहर में देखा है जो सेरामिक का पॉट लाइक जो कि 500-600 पे आता है वो ऑलमोस्ट 400 ऐसे लाइक प्राइस पे है तो बहुत ज़्यादा लाइक प्राइस इसमें भी रिजनेबल है एंड कलेक्शन बहुत ही अच्छा एंड यूनिक बहुत आपको लाइक अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएगी। तो देख रही हूँ मैं भी कुछ आदि बड़ा भी मुझे ज़्यादा तो लेना नहीं है क्योंकि बहुत सारे लाइक प्लांटर है जब लाइक रिप्लेस करना होगा तभी लूँगी बट सच में बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे लाइक जो प्लांटर्स की कलेक्शन है बहुत ही लाइक ट्रेंडी वाला कलेक्शन है इनके पास। तो बस गाइस हो गया हम लोग का प्लांट शॉपिंग ये देख सकते हो आप बाद में दिखाती हूँ अच्छे से मडारी का पाम मम्मी से। हाँ जो ये पॉट लेके मैं आई थी एक्चुअली अरेका पाम के लिए ये इसमें नहीं डाला है ये अंदर और एक पॉट है तो ये जा रहा है बेचारा ये बाद में और एक अच्छा वाला अरेका पाम लेके जाऊंगी बट इस बार मैंने ज्यादातर सभी फ्लावर ही लिया हुआ है क्योंकि अच्छा लगेगा ये वाला सीजन पे अभी ना अच्छा लगता है जो है। हम लोग पॉट भी चेंज करेंगे सब कुछ थोड़ा पॉट चेंज करेंगे क्योंकि बालकनी में थोड़ा कलरफुल पॉट रखेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत क्यूट लग रहा है ना ये वाला जो फ्लावर है बहुत ही क्यूट है ये वाला बट आप जो पहले याद है आपको जो कलरफुल वाला जो पॉट दिखा रहे थे मेरे को अच्छा लगेगा लेकिन बालकनी में पूरा कलरफुल वाला पॉट कर देंगे। नहीं अभी ये सभी अलग अलग है ये येलो है एक्वा है एक वाइट है देखने के लिए थोड़ा जाएंगे मैं तुलसी का भी सोच रहा था थोड़ा चेंज कर देंगे। नहीं तुलसी का वो फॉर्मली है जैसा अच्छा लगेगा वो ठीक है। शॉपिंग तो खत्म हो गया अभी और अभी भैया भाभी का वेट कर रहे हैं वो लोग का नहीं खत्म हुआ है प्लेट देखने तो के लिए हाँ तो उन लोगों का खत्म हो जाए। बड़ा नर्सरी है अगर मतलब किसी को भी एड्रेस चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भरतपुर में है पर भैया भाभी हमसे पहले आए हुए थे अभी अभी तक उनका खत्म नहीं हो रहा है चल रहा है। तो नर्सरी से वापस आ गए एंड यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पी रहे हैं एंड साथ में हम लोगों का प्लानिंग चल रहा था कि घर जाने के बाद आज बिरयानी भी बनेगा और आज इतना एक्चुअली अंदर भीड़ था ना इसीलिए हम बाहर खड़े रह के मतलब यहाँ पे पी रहे हैं क्योंकि इतना क्राउड था तो इसीलिए हम अंदर नहीं बैठे। तो चलो घर जाने के बाद जो है मैं आप लोगों के साथ जो बिरयानी का रेसिपी है वो भी सोचा है कि मैंने लाइक शेयर करूँगी आज। तो यहाँ पे मैंने लगभग जो है 750 ग्राम चिकन लिया था लाइक बड़ा बड़ा थोड़ा सा पेस्ट करके और उसके लाइक मैरिनेट करूँगी अभी। तो पहले थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट एंड हल्दी जो है ऑप्शनल है आप चाहो तो ना भी डाल सको एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड लगभग 3 टेबल स्पून कर्ड लिया है मैंने एंड ऊपर में लगभग 1 टेबल स्पून जो बिरयानी मसाला होता है बिरयानी नॉर्मल बिरयानी मसाला या फिर कोई भी शाही बिरयानी मसाला जो भी आप ले सकते हो एंड ऊपर पे यहाँ पे जो लाइक जिंजर गार्लिक थोड़ा सा धनिया पत्ता पुदीना पत्ता एंड ग्रीन चिली को साथ पे मैंने लाइक पेस्ट बना लिया था वो ऐड कर रही हूँ एंड उसको ऐड करने के बाद अच्छे से जो है इसको लाइक आपको मैरिनेट कर लेना है एंड चिकन जो पीस होता है ना उस पर आप कट लगा लेना ताकि जो मसाला है अच्छे से अंदर जाएगा क्योंकि बिरयानी का जो पीस रहता है थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस रहता है इसलिए ऊपर आप कट लगा लेना। तो इसको बस आपको मैरिनेट करके लगभग आधे घंटे एटलीस्ट तो आधे घंटे से एक घंटे के लिए छोड़ देना है
फिर जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो नेक्स्ट जो है मैं राइस बनाऊंगी, तो पहले जो है जो राइस को है मैं अच्छे से क्लीन करके अच्छे से हल्के हाथों से बस उसको थोड़ा सा लाइक घिस घिस के जैसे कि 4-5 बार आप उसको वॉश कर लेना, पूरा जो वाइट स्टर्च जो पानी है ना जैसे कि वो निकल जाए, जब पानी पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उस स्टेज पर आप उसको थोड़ा सा सॉक करके रख लेना लगभग 30 मिनट के लिए, उतना इनफ है। एंड तब तक जो है मैं यहाँ पर पानी गर्म भी कर ले रही हूँ साइड पर। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है दूसरी साइड पर यहाँ पर मैं बरिस्ता बना रही हूँ तो ऊपर डालने के लिए बिरयानी पे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का ऑनियन लिया था जिसको पतला पतला स्लाइस करके बरिस्ता बना लिया है मैंने, तो जो कि सभी को अच्छे से पता होगा, तो इसका ये और ज़्यादा मैं नहीं दिखा रही हूँ। एंड ये बन जाने के बाद अभी हम जो नेक्स्ट चलेंगे चिकन बनाने के प्रोसेस में, जो मैरिनेटेड किया हुआ चिकन है उसको बस अच्छे से स्लो फ्लेम पे धीमे आंच पे लाइक उसको कुक करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और फिर से मैं यहाँ पे और 2 मीडियम साइज के ऑनियन ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो पहले से बरिस्ता बना के चिकन मैरिनेट करते टाइम भी उस पर ऐड कर सकते हो, बट वो मैंने नहीं किया हुआ था इसलिए मैं बाद में यहाँ पे जो है अगेन थोड़ा सा बना के उस पर जो मैरिनेटेड चिकन था वो ऐड कर रही हूँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हो चाहो तो। एंड फिर जब तक चिकन ना बन जाए उसको वैसे ही धीमी आंच पे पकाते रहना है। अभी हमने जो राइस के लिए पानी गरम किया था वो अच्छे से गरम हो गया है, तो इस टाइम पे जो खड़े मसाला है वो ऐड करूँगी। 2 तेज़पत्ता, 2 मीडियम साइज का मैंने दालचीनी, कुछ 10-12 लौंग, 1 टीस्पून जो है शाही ज़ीरा एंड थोड़ा सा लाइक जो टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट जितना आप राइस पे लाइक आपको ठीक लगे, एंड थोड़ा सा ऑयल डाल के ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड उसके ऊपर जो चावल हमने अच्छे से क्लीन करके सोक करके रखा था वो ऐड करूँगी। एंड चावल को भी हमने बहुत ज़्यादा प्रॉपर कुक नहीं करना है, जस्ट 70-80% जो है कुक करना है, क्योंकि बाद में दम देते टाइम भी जो है चावल फिर और भी ज़्यादा थोड़ा सा पक जाएगा, तो ज़्यादा कुक ना करके बस 70-80% हमें जो है चावल बिरयानी तो करना बन ही रहा है। साथ ही साथ आज यहाँ पे कबाब भी बना है, थोड़ा सा पकौड़ा, पर आज जो है पकौड़ा मस्त तो बना है पर मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ये वीक पे खाया है हम लोगों ने, उस दिन भाभी के घर चिली चिकन, फिर कल रात को भी चिकन, फिर अभी बिरयानी खाएंगे, इसलिए आज मैंने रोज का है, मतलब पार्टी तो बनती है इसलिए आज मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है बिकॉज और खाऊंगी तो मैं बस भाई को हम लोग भेज दें कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए, नीचे जाओ कोल्ड ड्रिंक्स ले जाओ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स था पर वो मीठा हो गया है, मतलब ये कल ही आया था ना, कल ही लाया था ना, हाँ पर एक ही दिन में ये पूरा मतलब उसका जो जितना भी ये होता है वो चला जाता है। तो बस चलो कैसा बना है पकौड़ा, मस्त बना, चलो एंजॉय करो। और यहाँ पे चल रहा है साथ ही साथ कपिल शर्मा शो, हाँ मतलब सर्टिंग वाले आज कपिल शर्मा शो में चले गए इसलिए आज पिंकू सर्टिंग छोड़ के कपिल शर्मा शो देख रहे हैं। और जो कॉमेडी कॉमेडी हो रहा है खतरनाक हो रहा है, लेकिन आ गए भाभी भैया, आ गए कैसा लगा भैया, मजा आया, मिलेंगे आओ तो जोस डाउन सर, आओ तो जोस सर, आओ तो जोस, जोस डाउन भाई, दियो मुंह पूरे दूची, दियो 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 बेचारा। अभी जो चिकन था उसमें से आप देख सकते हो बहुत अच्छे से जो पानी मतलब निकल रहा है क्योंकि कर्ड के साथ मैरिनेटेड क्या हुआ था, तो वैसी बात है कर्ड होने से पानी निकलता ही है। तो जब तक ये चिकन से अच्छी तरह से पानी ड्राई होके पूरा ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक आप इसको लाइक भूनते रहना है। एंड दूसरी साइड पर जो हमने चावल भी बिठा लिया था वो चावल भी लाइक ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो इसी टाइम पर निकाल के इसको लाइक जो मैं है स्ट्रेन कर लूँगी। और आप देख सकते हो चावल लाइक कितने खिले खिले, मतलब जितना होना चाहिए बिरयानी के लिए परफेक्टली वैसा ही चावल एकदम बना है। तो अभी आते हैं दम देने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने जो जिस पे दम दूंगी उस पे थोड़ा सा घी ऐड करके मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अभी जो है हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेयरिंग के लिए पहला जो लेयरिंग मैं हमेशा राइस डालती हूँ क्योंकि अगर राइस थोड़ा सा भी नीचे से जल भी जाएगा ना तो इट सोके, अगर आप लाइक नया नया बना रहे हो या फिर मिस्टेकली जल गया तो ठीक है, पर अगर चिकन थोड़ा सा जल जाता है तो देन बहुत ज़्यादा उसका लाइक जो एरोमा है अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए पहला जो लेयर है मैं नीचे चावल डालती हूँ हमेशा, देन एक लेयर चिकन, देन अगेन चावल, ऐसा ही करती हूँ। तो आपके पास जितना आप क्वांटिटी में बना रहे हो ऐसे आप 2-3 लेयरिंग कर सकते हो। आज मैं बहुत कम लाइक 4 लोगों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने बस 2 ही लेयरिंग किया था, एक लेयर में चावल चिकन देन फिर से जो है अगेन चावल।
तो वो कर लिया। एंड ऊपर पे अभी जो है हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगी। तो ये मैंने लगभग 1 टेबलस्पून लिया हुआ है, क्योंकि ये केवड़ा वाटर है, अगर आप एसेंस ऐड करोगे देन 3-4 ड्रॉप ही उतने में हो जाएगा। तो अभी बस थोड़ा सा इसके ऊपर कलर, जो फूड कलर आता है वो ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लस्ट फूड कलर। एंड जो हमने बरिस्ता बना के रखा था वो ऐड कर दूँगी। एंड थोड़ा सा ऊपर से धनिया और पुदीना जो चॉप्ड वो ऐड कर लूँगी। एंड बस ऊपर में थोड़ा सा जस्ट घी, लगभग 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। एंड बस इसको स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक दम देने के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी बिरयानी जो है बन गया है, बस 15 मिनट दम देने के बाद 15 मिनट और बस मैंने इसे ही छोड़ लिया था, और बिरयानी को अभी जस्ट निकाला है और आप देख ही सकते हो। एंड मैं बहुत ही कम स्पाइसेस डालती हूँ, मतलब जो स्टार एनिस वगैरह, जावित्री वगैरह होता है वो सब मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि पिंकू को वो सब पसंद नहीं है। तो अगर आप भी चाहो तो वो सब डाल सकते हो। तो चलो अभी सर्व करते हैं एंड रिव्यू लेते हैं सबका। और आ गया हम लोगों का डिनर यहाँ पे, और बोलो ये लोग क्या बोलेंगे। एक्चुअली मैंने भी खुद भी टेस्ट किया है, सब कुछ ठीक है, पर थोड़ा सा नमक कम हो गया है राइस पे, और वही बिरयानी पे थोड़ा सा नमक कम हो जाए ना बस, क्योंकि वो जो, अरे खराब क्या यार, खराब मतलब वो वाला प्रॉपर फील नहीं आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है नेक्स्ट आप नमक डाल के खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, जो एक ही टाइम पर राइस पर जितना नमक डालोगे बस वही, तो बस। बट ओवरऑल बाकी सब ठीक है ना। चलो गाइस हम लोग डिनर करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लेट भी हो गया है, टाइम देख सकते हो आप। एंड साथ साथ जो व्लॉग भी है मैं यहीं पेंड करती हूँ, होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ साथ चैनल पर नहीं हो पहली बार विजिट कर रहे हो देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यहाँ पे सभी हंस रहे हैं तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय। खाई बारे बेस्ट सो भाई, खाई बारे बेस्त सब पूरा ना। चलो चलो, बाय बाय बाय।